सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। क्या कह रहा कि यार हद होगी, कह रहा मुझे पता ही नहीं था कि मैं राजा के महल में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। हालेलुया। कौन है वो, कौन सा फल था उसको पता नहीं था, कौन सा फ्रूट था पता नहीं था, कौन सा पेड़ है वो नहीं पता था, लेकिन उसको इतना पता था कि मैं यहोवा का बीज हूँ। हालेलुया। सबसे उत्तम बीज हूँ। आपको पता है आप यीशु के बीज हो, आप ठुकराए नहीं जा सकते, आप कुचले जा सकते हैं, आप गलाए जा सकते हैं, आपके ऊपर लोग चल सकते हैं, थूक सकते हैं, लेकिन याद रखना बर्बाद नहीं हो सकते। आप बीज वो है, खुदा का बीज हमेशा करा धरती में रहता है और उसके बाद करा कि वो ऊंचाइयों को देखता है यीशु मसीह के नाम में। आप वो पेड़ है बाहर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। जितने हाथ उठा रहे हैं आमीन बोल रहे हैं, बाहर आएंगे आज रात। मैं कह रहा हूँ यूसुफ करा खतरे में था लेकिन परमेश्वर ने उसको उस ऊंचाई पर लेकर गया। अगर आज आप किसी भी समस्या में, पवित्र आत्मा आज रात आपको बंधुआई में से बाहर निकालना चाहता, हो सकता है आज लोग आपसे जलते हो, पीठ पीछे आपके भाई बंधु आपकी बुराई करते हो और आपको कोई मदद ना मिल रही हो, परमेश्वर ने कहा चिंता ना करना, तुम वो बीज हो, तुम फलते चले जाओगे, फलते चले जाओगे, फलते चले जाओगे, तुम यहोवा का सबसे बेस्ट बीज हो। आमीन। हाथ उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर मेरे लिए एक हेल्प भेज दे। आज पवित्र आत्मा हेल्प भेजेगा। यूसुफ जब समस्या में गिरा उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर हेल्प भेज दे। कुएं में आवाज बाहर नहीं जा रही थी लेकिन उस समय में वहां पर लोग आ गए। हालेलुया। उसको निकालने के लिए वो पानी पीने के लिए चले गए। याद रखना हमेशा कभी भी हेल्प ऐसे नहीं आती, क्या आपकी आवाज सुनकर नहीं आएगी। आप कहेंगे हेलो कोई है, अगर कोई कुएं में गिर जाए और आवाज लगाए हेलो कोई है, उसने बहुत आवाजें लगाई होंगी, कोई भी नहीं बाहर आया, आवाज भी बाहर नहीं गई। अगर आपको 70 फुट के, 100 फुट के, 200 फुट के गड्ढे के अंदर डाल दें कि आपकी आवाज बाहर आएगी, नहीं आएगी। लेकिन यूसुफ को मालूम था, कह रहे कि अब मेरी आवाज नहीं, अब मेरी ताकत नहीं, अब मेरा पैसा नहीं, अब तो कह रहे कि दुआ करूंगा जो मनों को जांचने वाला है वो किसी व्यक्ति के मन में जरूर डालेगा, वो पानी पीने कुएं के पास जरूर आएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं। उसने प्रार्थना किया और दो व्यक्ति वहां पर पानी पीने के लिए गए और उन्होंने देखा ये क्या, यहाँ तो कोई गिरा हुआ है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज कह रहा हूँ उसके भाई उसको बेच रहे थे वहां पर और वही भाई उन मिश्रियों के हाथ बेच रहे हैं। जब पता लगा कि कोई कुएं में है, कोई खड्डे में है तो उसको बेच रहे हैं वहां पर, क्योंकि वो छुप कर देख रहे थे कौन निकालता है इसको। हालेलुया। कौन पकड़ता है इसको। मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, जब पोती पर के खेत में था तब भी वो दुआ कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर, उसका मालिक उसको खाना दे रहा था, गंदे गंदे खाने दे रहा था, लेकिन उसी समय उसके खेत का फायदा होता जा रहा था, लेकिन उसको पता था ये मेरी आवाज को सुनने वाला नहीं है, इसलिए उसने दुआ करना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने उसके मन को चेंज किया और उसी समय उसने उसकी तारीफ पोती पर ने जाकर कह रहे कि फिरौन के महल में कर दिया। हालेलुया। उसकी तारीफ कर दिया, बेस्ट आदमी रहता है मेरे पास, कह रहे कि बेस्ट प्रार्थना करने वाला, बेस्ट ड्रीम, कह रहा दर्शनों का भेद बताने वाला। इसका मतलब कह रहा एक इंसान को आप किसी के पास सैलरी काम करते हैं, आप उसको बार बार रोज बोलते हैं, डेली बोलते हैं, डेली बोलते हैं, लेकिन वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा क्योंकि उसको मालूम है उसके अंदर तरस नहीं है। लेकिन जिस दिन आप दया, आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उस दिन रात को परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करने वाला, आपकी सैलरी चार गुना बढ़ने वाली। आमीन बोलने वाले, आपकी सैलरी चार गुना बढ़ने वाली है। बोलो हालेलुया। कि आप प्रार्थना करके आप किसी भी व्यक्ति को जीत सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना से परमेश्वर का मन चेंज करा सकते हैं। अगर प्रार्थनाएं परमेश्वर का मन चेंज कर सकती हैं तो कह रहा कि प्रार्थनाएं एक व्यक्ति का भी मन चेंज कर सकती हैं। परमेश्वर है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी आए हैं लेकिन याद रखना, कह रहा है कि एक डिवाइन हेल्पर आज परमेश्वर भेजने वाला है, लेकिन कब, जब हाथ उठाकर आप प्रार्थना करने का फैसला लेंगे। आज
आज कहेंगे परमेश्वर मैं अपने हाथों को शुद्ध करूंगा, मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा तुझसे विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे हाथ के काम शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे। पवित्र आत्मा कहेगा ये ले, मैं तेरे लिए एक डिवाइन हेल्पर भेज रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा डिवाइन हेल्पर भेजने के लिए तैयार है। करा धर्मी पर विपत्तियां पड़ती हैं, निराश ना होना, लेकिन प्रार्थना करने वालों को विपत्ति से बाहर निकाल लेता है वो यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है, लिखा है भजन संहिता 34:19 में कि मदद करा नीचे से नहीं ऊपर से आएगी। हालेलुया। कहां से आएगी? ऊपर से। एक बार एक बंदर था, बंदरिया थी, और उसी समय बंदरिया ने क्या किया, बंदरिया ने जंगल में अपने बच्चे को शेर के पास छोड़ गई और उसको शेर को बोलती, शेर जरा बंदर मेरे बच्चे का ध्यान रखना और मैं अभी आई इसके लिए खाना लेकर। और जैसे ही शेर उसका ध्यान रख रहा था और थोड़ी देर में ऊपर से एक चील आई और उसके बच्चे को उठा कर ले गई बंदरिया के। और उसके बाद जब बंदरिया वापस आई उसने कहा, अरे कह रहे के वो मेरा बच्चा कहाँ है? शेर के बच्चे वैसे ही जंगल का शेर का राजा बनता है, तेरे से संभला नहीं, एक बच्चा नहीं संभला, कह रहे एक बंदर नहीं संभला तेरे से, शेर के बच्चे शेर बनता है। और जिस समय उसको चिढ़ाने लगी और गुस्सा करने लगी, शेर ने कहा, शेर गुस्से में आ गया और शेर ने कहा, अरे मैं क्या करूं, आफत नीचे से नहीं आई थी, आफत तो ऊपर से आई थी, ऊपर से कह रहा कि ऊपर से आई थी आफत। कह रहा कि याद रखना, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, कह रहे कि अरे ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी ठोक दी किसी ने, अबे ठोकी सामने वाले नहीं, आफत ऊपर से आई है। अरे ये क्या हो गया, मेरा पैसा लेकर भाग गया। अरे ये क्या हो गया, टंका लगा था बिजली वाले आ गए। अरे ये क्या हो गया, आफत ऊपर से आ रही है, नीचे से नहीं आ रही। अगर आज आप हाथ का अपने हाथों के कामों को शुद्ध कर लेंगे, मैं कह रहा हूं एक मदद भी ऊपर से ही आएगी आज यीशु मसीह के नाम। आज लोगों को हाथ उठाना सीखना है, परमेश्वर कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि आफत जो है, मुसीबत जो है, वो कह रहे के आज ऊपर से भेजी जाती है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो हाथ उठाते हैं उनके लिए मदद भी ऊपर से भेजी जाती है। आज रात मेरा परमेश्वर आपके लिए मदद भेजने के लिए तैयार है। जो आमीन बोल रहे हैं, मदद आ जाए आज। हालेलुया बोलने वालों के लिए मदद आ जाए। हालेलुया। जो हाथ के कामों को शुद्ध कर रहे हैं उनके लिए मदद आ जाए। आमीन। आपके बिजनेस में नई मदद आएगी आज। आमीन। मदद आने पाए स्वर्ग से। आमीन। हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। उनके लिए मदद आ जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। कितनों को समझ में आया, मदद नीचे से नहीं आती ऊपर से आती है। औरतें बोलती हैं, साड़ी साड़ी लेना, साड़ी भैन ने, साड़ी कुकड़म ने ना साड़ी मदद नहीं की, अमरीका बैठा कहते आपा एदे नाल गल नहीं करांगे, ना करो गल। भाई साहब रब ने तुहानू ऐ सिखाया, उन्हें क्या दूजिया च प्रेम करो लेकिन कुड़म नाल नफरत करो, सास नाल नफरत करो, दूजे नाल प्रेम करो। बाइबल दूजी पढ़ रहे हो? कहते दूजी पढ़ रहे हो, तीजी पढ़ रहे हो? कहते अपा दो बारी पढ़ ली, तीजी बारी पढ़ रहे हैं। तीजी बारी केड़ी पढ़ रहे हैं? तीजी बारी यह पढ़ रहे हैं क्योंकि बाइबल च लिखिया कहते ने कि दूजिया नू प्रेम करो, अपने नू नफरत करो। हालेलुया। लिखिया इंज कहता है, कह रहा कि सबसे प्रेम रखो, लेकिन लोगों ने अपने मन में धारणा बना रखी है, इसलिए प्रभु बोलते हैं मन शुद्ध नहीं है। कह रहे कि मेरी कुड़म ने, मेरी सा ने, साडे मेरे साले ने, मेरे मामे ने, फूफे ने, नाने ने, चाचे ने, ताऊ ने साड़ी हेल्प नहीं की, अमरीका बैठिया साड़ी हेल्प नहीं की, कहना मदद नहीं की इसने हमारी, इसलिए हम इसकी मदद नहीं करेंगे। याद रखना, अगर आपका मन शुद्ध हो रहा है तो परमेश्वर आज रात कहता है कि आफत नीचे से नहीं आई, आप मदद मांग रहे हैं, इंसान से मदद मांग रहे हैं, आफत अगर ऊपर से आई है तो याद रखना, करा वो आफत ऊपर से दुआ करने से ही भागने वाली, यीशु मसीह के नाम में ऊपर वाले से दुआ करनी आज हाथ उठाकर। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि यही बात यूसुफ को समझ में आ गई। यूसुफ ने देखा, करा कि जानता है मेरे भाई ने मुझे ठुकरा दिया, जिस समय में उसके जब वो राजा मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री बन गया और उसके देश में अनाज हो गया और इसराइल में जब अकाल पड़ गया तो क्या हुआ, उस समय में जब वो रोटियां लेने के लिए आए तो उसका भाई उनसे कह सकता था कि मैं तुम्हारे से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा करा मुझे पता है, पता है मुझे मालूम है वो उस दिन जो मेरे ऊपर आफत आई थी वो ऊपर वाले की ऊपर से ही आई थी। हालेलुया। कह रहा इसीलिए मैंने तुम्हारे से मदद नहीं मांगी, उस दिन भी मैंने ऊपर वाले से मदद मांगी थी, आज भी मैं कह रहा नीचे से नहीं, कह रहा ऊपर वाले की तरफ से तुम्हारी मदद करूंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा कि एक डिवाइन हेल्पर उस व्यक्ति को, परमेश्वर जो है उस व्यक्ति को सबसे अमीर बनाता है जिसका मन शुद्ध होता है। वो कभी गरीब नहीं रहता, जिसके हाथ कपटी नहीं होते, जिसका मन कपटी नहीं होता, जिसके हाथ शुद्ध हैं,
निर्दोष हैं किसी बात के लिए, तो याद रखना परमेश्वर उसको सबसे ऊंचाई पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ का नाम फेमस क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ इस बात का ध्यान रखता था। अगर आप मसीह में आने के बाद इन बातों के लिए करें दूसरों को जिम्मेवार बताते हैं किसके कारण मेरा ये हुआ, इसके कारण वो हुआ, परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा लेकिन उन लोगों की मदद करेगा जो मुसीबतों में हैं, लेकिन वो इस बात को समझ गए हैं कि परमेश्वर मुझे अपने मन को शुद्ध करने की जरूरत है। जब आप मन को शुद्ध करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। शाऊल खुद खुदा से मदद मांग रहा था। कितने लोग जानते हैं शाऊल को? शाऊल खुदा से मदद मांग रहा था, खुदा ने उसको राजा बनाया और थोड़े दिन के बाद वो खुदा से मदद मांग रहा है। क्या मदद मांग रहा है? बार बार मदद मांग रहा है, लेकिन पर उसके मन में कपट था, जलता था वो दाऊद से। क्यों आ गई ऐसी परिस्थितियां उसकी लाइफ में? क्योंकि उसके मन में कपट था, जलन थी, ईर्ष्या थी अपने भाइयों के प्रति, दाऊद के प्रति उसको ईर्ष्या थी। और उसी समय परमेश्वर ने उसको उसी समय छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं, अभिषेक आता भी है और कई बार अभिषेक चला भी जाता है। अभिषेक का अगर सम्मान ना किया जाए तो उन लोगों के ऊपर से चला जाता है। अभिषेक एक बच्चा जब बैप्टिज्म लेता है उसके ऊपर आ जाता है। हालेलुया। बिना अभिषेक के कोई भी जन यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अभिषेक नहीं है, लेकिन कह रहे कि अब वो अभिषेक है, एक राज के अभिषेक, चंगाई का अभिषेक, याज के अभिषेक, वो अलग अलग अभिषेक है। कह रहे कि अगर वो परमेश्वर ने जैसे आपके लिए वरदान दिए तो वो गिफ्ट भी दिए, लेकिन आज कह रहा है याज के अभिषेक, राज के अभिषेक, चंगाई का अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि ये अभिषेक, कह रहे कि एक व्यक्ति के ऊपर है सुसमाचार सुनाने का अभिषेक आपके ऊपर है। आपने जब करें फैसला लिया अपने मन में कि परमेश्वर मैं दूसरों की मदद करूंगा, वो अभिषेक आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आज करे जितने लोग अपना समय निकाल कर आए हैं, शाऊल के जीवन से सीखो। शाऊल करे राजा बन गया, राजा बनने के बाद करे वो भिखारी के कपड़े पहन गया और उसी समय मदद मांगता फिर रहा है। क्यों हो गया ऐसी हालत? क्यों हो गया उसकी? क्योंकि जल गया है वो अपनों से, भुन गया है वो अपनों से, दया नहीं है उसके अंदर, मन में कपट आ गया है, हाथ निर्दोष नहीं है उसके। अब मारने के लिए घूम रहे दाऊद को बार बार भाला लेकर, कई बार मारना चाहा लेकिन उस समय परमेश्वर ने छोड़ दिया उसको। और उसी समय भिखारी के कपड़े जैसे पहन लिया उसने और कह रहा है कि शमूएल के पास गया। शमूएल कहता है जब तेरी ऊपर वाला मदद नहीं करता तो नीचे वाला कैसे मदद करेगा तेरी? मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रॉफिट हूँ, लेकिन मेरे को ऊपर से आदेश आता है तो मैं मदद करता हूँ लोगों की, मैं मदद नहीं कर सकता। आप जाते हैं पादरियों के पास सिर पर हाथ रखवाने के लिए, मदद मांगने के लिए, लेकिन मदद मिलती नहीं है। आप निराश होकर भूत पिशाच वालों के पास हाथ दिखाने के लिए चले जाते हैं, लोग टूट जाता है मन। कई बार शाऊल का भी मन टूट गया है और वो चला गया है वो एक भूतनी के पास हाथ दिखाने के लिए, तंत्र मंत्र करने वाली औरत के पास, और बोलता है देख। और जिस समय उसने भी जवाब दे दिया है, वो भी डर गई है, बोलती है तब तूने, खुदा ने तुझे छोड़ दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ तेरी मदद। याद रखना अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया तो मदद कहीं से नहीं आएगी। लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था और दाऊद को कई बार मौका मिला शाऊल को मारने का, लेकिन उसने जानता था कह रहे कि मैं इसको नहीं मार सकता क्योंकि जिसने मेरा अभिषेक किया है उसने ही इसका अभिषेक किया है। हालेलुया। वो सम्मान करना जानता था, उसने अपने हाथों को निर्दोष रखा, उसने अपने मन को शुद्ध किया। बार बार उसके मन में विचार आए इसी आदमी ने यही है वो तेरा ससुर पापी, यही है तेरा साला पापी, यही है तेरा चाचा पापी, इसी ने तेरे साथ बुराई किया था, मार इसे, जाने दे, घसीटने दे, पर्चा करा दे, जेल में डलवा दे। लेकिन उसने कहा मैं इसकी ओर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसने अपने मन को शुद्ध रखा, उसने अपने आप को शुद्ध करके रखा। अगर आज आप अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं शमूएल ने कहा तेरी मदद नीचे से नहीं ऊपर से बंद की गई है। शमूएल ने कहा शाऊल मैं चाहता हूं तेरी मदद करना, लेकिन कहा मैंने ही तेरा अभिषेक किया था, मैंने ही तेरे को राजा बनाया था, लेकिन मैं चाहता हूं तू मेरा स्पिरिचुअल सन है, मैं चाहता हूं कि आज तुझे स्वर्ग से मदद मिले, लेकिन तेरी मदद ऊपर से बंद कर दी गई है, बंद कर दी गई है। आज मेरे कहने का मकसद यही है, कह रहा कि आज मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर, कह रहा विश्वासी जो भी है, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि अगर आज स्वर्ग से मदद बंद हो गई है तो पादरी नीचे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे हैं कि आज अपने मनों को भेंट करके चढ़ा दो परमेश्वर को, अपने हाथ के कामों को शुद्ध कर लो, अपने मन को शुद्ध कर लो, अपने हाथों को उठाओ और आज कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने जो भी कोई जाने अनजाने में कोई अपराध कोई गुनाह किया है, पवित्र आत्मा तूने सच में परमेश्वर शाऊल की मदद
ऊपर से बंद कर दी थी। मेरे पिता कोई इंसान उसकी मदद नहीं कर पाया। मेरे पिता परमेश्वर चाहता है आज हाथों को उठाओ और आज कहो परमेश्वर से मेरे साथ कि इसी समय हाथ उठाओ। और आज जिसको बार बार जॉब नहीं लग रही, जिसका बार बार बिजनेस नहीं चल रहा, जिसको लग रहा है कि आज हाथ उठा रहा हूं लेकिन कोई काम नहीं निकल रहा, आज फैसला ले लो, आज आज हाथ उठा लो, आज आज इसी समय अपने मन को शुद्ध करो आज, क्योंकि आज पवित्र आत्मा कह रहा है अगर तुम्हारी मदद ऊपर से बंद है फिर कोई नहीं खोल सकता नीचे। लेकिन आज जितने आज हाथ उठा रहे हैं, आज इस समय अपने मनों को शुद्ध कर रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मैं उनके लिए स्वर्ग से एक मदद भेजूंगा, आज आपके काम फिर से खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। खुलेंगे आज रात आपके काम, खुलेगा आपका बिजनेस यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए वो डोर, खुल जाए वो डोर, खुल जाए। आमीन बोलने वालों के लिए, पास्टरों के लिए, सेवकाई के लिए डोर खुले, चंगाई का डोर खुले, भविष्यवाणी का डोर खुले, हीलिंग का डोर खुले, आश्चर्य कर्मों का डोर खुले। आज जितनों ने मन शुद्ध कर लिया है परमेश्वर उनके डोर खोल दे आज, क्योंकि मदद नीचे से नहीं, इन्होंने जान लिया है ऊपर से आती है। काम बंद नीचे से नहीं ऊपर से किया जाता है। लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंद करेगा, जो तुम धरती पर खोल दोगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। मेरे पिता मैं इनके कामों को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं इन्हें खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सुने कहा जाओ गधी का बच्चा खोल लाओ। और जिस समय परमेश्वर आज ये दुनिया की नजर में ठुकराए हुए क्यों ना हो, आज चाहे कोई ने गधा बोल रहे, चाहे कैसा भी बोल रहे, लेकिन परमेश्वर तू इनकी सवारी करने वाला है आज रात यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा मुझे इसी गधे की जरूरत है, जो आज हाथ उठा रहे हैं दुनिया की नजर में गधे होंगे, आवारा होंगे, बेकार होंगे, लाचार होंगे, लेकिन अपने मन को शुद्ध कर लेना, आज हाथों को उठा लेना, आज फैसला ले लेना, क्योंकि परमेश्वर आज मेरे हाथ रखते ही आज आपके काम खोलने वाला है, खोलने वाला है, खोलने वाला है। आज खुल जाएंगे आपके काम यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के काम खुले आज, हालेलुया बोलने वालों के काम खुले आज। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसे बोलो तेरी मदद ऊपर से आएगी आज। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी मदद ऊपर से आएगी आज। कहां से आएगी आज? ऊपर से आएगी आज। कितने लोगों को समझ में आया? करे जब ऊपर वाला मदद बंद कर दे तो धरती पर कोई नहीं खोल सकता। तो इसका मतलब ये कह रहा कि परमेश्वर के भवन में कौन चढ़ेगा, कौन उसके पहाड़ पर चढ़ेगा, कौन उसके सामने खड़ा होगा? कह रहा जिसके मन में कपट नहीं होगा, जिसका हृदय शुद्ध होगा, परमेश्वर उसके कामों को ब्लेस करेगा। आइए अपने सिर पर हाथ रखें और इसी समय परमेश्वर से कहें, पवित्र आत्मा जी मैं आज अपने मन को शुद्ध करता हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आज मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। इसी समय परमेश्वर इनके कामों को खोल दे आज। इसी समय खोल दे परमेश्वर आज, बड़े बड़े मिराकल कर दे आज, आज आशीषें खोल दे पवित्र आत्मा जी आज। मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवनों में मिराकल कर आज परमेश्वर, ये पहले जैसे ना रहे, पवित्र आत्मा जी आजाद हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं छुटकारे छुटकारे स्वर्ग से रिसीव होने पाए पवित्र आत्मा जी आज। एक डिवाइन हेल्पर इनके लिए भेजा जाए पवित्र आत्मा, एक एंजल इनके लिए उतार दिया जाए आज। इनके गाँव में, इनके शहर में जाने से पहले इनके गेट पर एक टेस्ट मनी खड़ी हो यीशु मसीह के नाम में। वो गवर्नमेंट जॉब का लेटर पड़ा हो इनके गेट के बाहर, पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम खुल जाए यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। नए नए अभिषेक ट्रांसफर किए जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ बोलो प्रभु ने ऐसा कर दिया है, प्रभु ने ऐसा कर दिया है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिला
बातें yes, ऐरोबे पाकी खुदा अपनी हाजूरी से मुझको जिला दे ऐरोबे पाकी खुदा पाकी मानित मुझको बना दे ऐरोबे पाकी खुदा पाकी खुदा बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए, किसी समय कर्जे बाहर जाए, हर एक शराब टूट
चाहे यीशु के नाम में ब्लेसिंग आने पाए यीशु के नाम में आमीन। आत्मा से हालेलुया, यस सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया, दाऊद को पता था कि मेरे मन को शुद्ध करने की जरूरत है। दाऊद को पता था मुझे परमेश्वर ने चुना है और नाम लेकर बुलाया है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। दाऊद इसलिए 66 जंग जीत गया क्योंकि उसका भरोसा प्रार्थना पर था, परमेश्वर पर था। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, कोई भी आज हार कर नहीं जाएगा, सब जीत कर जाएंगे। आपको विश्वास है कि आज आप जीत कर जाएंगे? हाँ। अबलबा शबलबा सुनीता, हाँ सुनीता, हाँ हाँ सुनो सुनीता, ऐसे जो भी खड़े हो जाओ, सुनीता रानी, सुनी ऐसे बोलते हैं उसको, सुनीता रानी, वहीं वहीं वहीं, आगे नहीं बुलाया मैंने किसी को, आप अपने स्थान पर खड़े रहें बस, जो भी सुनीता रानी, हाँ जो भी सुनीता भी आई है, सुनो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सबके लिए, वहीं खड़े रहो, वहीं, मैंने बुलाया नहीं किसी को, वहीं खड़े रहो, अपने स्थान पर रहो, और चीज समय वही रहो। सुनो मैं कैमरे के सामने आपके लिए भविष्यवाणियां कर रहा हूँ, आप लिख लेना अपने हृदय की पट्टियों पर, ये आपके साथ बड़ी जल्दी पूरा होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आशीषें आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष आपकी होगी, बंधन टूट जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, आज से पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। सुनीता, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो भी सुनीता है, बहुत सारी आप खड़ी हैं और बहुत सारी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अबलबाश अबलबाश, पता नहीं पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों कहा आज खाली सुनीता के लिए, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो सुनीता नाम की लेडीज है मुझे सुन रही है, परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए ऑस्ट्रेलिया का डोर खोल रहा हूँ किसी बच्चे के लिए यीशु मसीह के नाम में। और सुनीता कहते कि जहाँ आप रहते हैं वहां नहीं रहेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ तीन बार, जहाँ आप रहते हैं वहां नहीं रहेंगे, 3 साल के अंदर आप शिफ्ट करेंगे, जिस घर में आप रहते हैं उससे बड़ा घर आपके पास होगा यीशु मसीह का नाम। सुनीता अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, आपके घर में अगर 20 तारीख और 10 तारीख के पास, जैसे 10 के पास 9 और 20 के पास 19 या 18 और 30 के पास आप कैसे 28, 29, 30 आता है, तो ये भविष्यवाणी करेक्ट आपके लिए और आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके लिए, रास्ते खोल रहे हैं, कुछ कर्जों में आपके पति आप लोग फंसे हुए हैं, पवित्र आत्मा ने कहा हाँ फंसे हुए हैं सुनीता के बहन जो भी हैं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा कर रहा है ये 3 महीने पूरे निकलेंगे, 3.5 महीने के बाद कह रहा तेरे घर से जो पैसों का अकाल पड़ा हुआ है हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखोगे, विश्वास करना, सुनीता रानी जैसे, क्या नाम है पूरा? पापा मेरा नाम सुनीता रानी है। हालेलुया, हालेलुया। सुनो अगर आपको विश्वास नहीं आता, अभी इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है, प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है। अभी मैं ऐसे तेरी जेब में 100 का नोट, 50 का नोट पर्स में देखना है, चेक करना है, अगर 33 चेक करो उसमें, 100 का नोट कोई कितने सारे भी हो आप भी चेक करो, सब अपने नोट चेक करो, 100 का नोट, 50 का नोट, 200 का नोट, सुनीता वाले, सुनीता नाम वाले, सुनीता नाम वाले, हर एक नहीं, 33 मिलेगा एक नंबर में आपको, 34 मिलेगा बीच में 33 या 34, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, अपने पर्स में चेक करो, अपने चेक करो अपने पर्स में 33 या 34 आप चेक करो, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ किसी के ऐसे 33 मिलेगा 34 मिलेगा, और इसी समय कोई एटीएम कार्ड है, एटीएम इसके पास, एटीएम मैं से देख रहा हूँ, कोई पील पंजाब रानी के पास ही क्यों मिलना था, चेक करो मिलेगा, घर जाओगे मिलेगा, कुछ भी होगा आपके साथ
33-34 मिलेगा, 500 में मिलेगा, 200 में मिलेगा, सुनीता रानी तुम्हें मिलेगा, आज मिले कल मिले, कोई देगा आपको, समझ जाना ये प्रोफेसी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, मैं कह रहा हूँ मिलेगा 32-34 सुनो 50 में पंजाब नेशनल बैंक, सुनो सुनो सुनो, ऐसे ऐसे कोई एटीएम है आपके पास, उस पर चेक करो एक नंबर है डिजिट, ऐसे देख रहा हूँ आत्मा में 300-300 हालेलुया। हाँ पंडित जी, हाँ इनके एटीएम के ऊपर 300 लिखा हुआ है, जय कृतज्ञता पंडित वैसे तू चा खुल जाएगा, हालेलुया जय कृतज्ञता पंडित गोदिया तू चा खुल जाएगा, हालेलुया। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ होने लगे हैं, जिसका नाम सुनीता रानी है या कुछ भी हो, भविष्यवाणी को विश्वास कर लिया करते हैं, ये उसके लिए नहीं मेरे लिए है। समझ रहे कि नहीं, मेरा काम है बोलना, आपका काम है रिसीव करना, आप देखोगे आपके पर्स में भी वो पैसे निकल आएंगे, हालेलुया। इसका मतलब ये तेरा घर बनने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस कारण वर्ष कहते कि आप साइड में हो रहे थे, हट रहे थे, परमेश्वर आपको कह रहे कि बार बार आपके घर वाले परिवार वाले जो भी आप लड़ रहे थे किसी चीज के लिए, जगह के लिए, घर के लिए, काफी समय से हो रहा था, और कहते चल निकल जा यहाँ से, हो तो बार बार कह रही है अपना घर बना लेते हैं लेकिन सुन नहीं रहा तेरी, परमेश्वर के आत्मा कह रहे दिसंबर आने से पहले परमेश्वर गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष को खोलेगा पवित्र आत्मा, रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो रूआ लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। हाँ सुनो, उसके बाद ले एंड प्रे करेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। लक्ष्मी लक्ष्मी बेटा नहीं है उसके पास, बेटा नहीं है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, लक्ष्मी कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, हाँ कोई लक्ष्मी जिसके पास बेटा नहीं है हाथ उठा लो, कोई भी हो, लक्ष्मी लक्ष्मी। हाँ माइकर माइकर क्या नाम है, हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे क्योंकि लक्ष्मी है उसके पास बेटा नहीं है, हालेलुया। और ये बहन बता रही है मेरा नाम लक्ष्मी है। हाँ बेटे क्या नाम है आपका, लक्ष्मी लक्ष्मी। ए लेडीज खड़ी हो, कहाँ बैठ गई, खड़ी हो, खड़ी हो शाबाश। हाँ क्या नाम है बेटे, लक्ष्मी लक्ष्मी। बेटा नहीं आपके पास, मैं 6 ईयर देख रहा हूँ, जैसे कुछ 6 साल से, कितना टाइम होगा शादी को, मई में 6 साल हो जाएगा, मई में 6 साल हो जाएगा, हमको बताएगा तू मई कब आएगा, हालेलुया। मई में 6 साल हो जाएगा भाई, सुन लो इसकी पूरी, सारे बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग आएगी, आप बदल जाएंगे, रास्ते खुलेंगे, एक और इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, सुनता रानी और इसी समय छोड़ेगी नहीं, सुनो तू कैसे नहीं छोड़ेगी, जिसको खुदा ने छुड़ा लिया उसको कौन नहीं छोड़ सकता, चल आफत नीचे से नहीं, कहां से आई है, काले सूट वाली बताएगी कहां से आई इसके घर में, हैं तू खड़ी हो जा, तेरे पर कहां से आई है, कहां से आई आफत, ऊपर से, ऊपर से क्या आफत है तेरे ऊपर, मैं पता प्रॉब्लम क्या आपको, मेरे हस्बैंड को जॉब चाहिए 3 दिन के अंदर, गुड न्यूज, हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। कहाँ रहते हो आप, पापा फिरोजपुर के पास हमारा गांव है, 3 अंदर 3 गोलगप्पे जाती अंदर कर लो आज, 3 अंदर, आमीन। समझ रही है, यस पापा। रास्ते में तुम्हारे जो मोड़ है ना, वहाँ पर एक गोल गप्पे की दुकान है, रेडी लगाता है, हाँ जी मुड़ते ही, हाँ जी वहाँ से मैं खाती हूँ, वहाँ से खाती है, हालेलुया 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 हालेलुया। देख लो भाई साहब, ये औरतें जो होती है मुड़ के रेडी वाला खड़ा होता है वहाँ पे खाते है गोल गप्पे, अभी सोच रही थी पादरी को कैसे पता लग गया, 3 गोल गप्पे खाने हैं 3, पापा। हाँ तू जब ज्यादा खाती है फिर घर जाके भूख नहीं लगती तेरे को, 3 से ज्यादा नहीं खाने। और जिस समय देख ये सुनीता रानी, तेरे को जो रोक रहा था वो जो चीजें रोक रही थी से मैं निकल रही है, आउट पारा फ्री ईश्वर के नाम में, कल इसकी जेब में जितने पैसे हैं सब इसी समय ट्रांसफर हो जाए लोगों के ऊपर, अपने ऊपर नहीं कहेंगे भाई तवा लग जाएगा
सारे बोला हालेलुया। तुम्हारे तव पांव से नहीं डरता मैं, हट जा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। सुनो, पवित्र आत्मा से धन की आशीष दे रहे, जो लग रही है बेटे तेरे लिए बोल रहा हूँ मैं। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ रखूंगा, गुड न्यूज मिलेगी। सुनो, लक्ष्मी लक्ष्मी बाई कहीं से, अरे रे 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 रे, जो आ रही गोल गप्पे बाहर आ रहे हैं, गोल गप्पे सारे बाहर आ रहे हैं। रुआ फ्री फिनिश फिनिश, इसी समय इसी समय, फ्री 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 फ्री, टच होली स्पिरिट, टच कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। सुन रहे हो, प्रभु का आत्मा भी इसी समय मेरा ही कल कर रहा है। लक्ष्मी बाई नहीं, मैं कह रहा हूँ लक्ष्मी, सुन रहे हो लक्ष्मी, 6 साल आपका पति बोल रहा पूरे होने वाले हैं, मई में पूरे हो जाएंगे, मुझे बता रहा है। ठीक है, मैं घोड़ा लेकर आ रहा हूँ और उसके पीछे रानी बैठी है, आगे सम्राट है। यस यस, कौन है सम्राट? मैं। हालेलुया 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 हालेलुया। जब यीशु मसीह की कोई बुराई करता था तो वो उससे बड़ा चमत्कार करता था। पता नहीं मेरे साथ क्या होता, जब मेरी कोई बुराई करता है मेरे ऊपर गिफ्ट बड़े बड़े हो जाते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। घोड़ा लेके चल रहा है, मुझे बता रहा मई में आएगा सम्राट, तेरा बच्चा कब आएगा बताना मुझे। होली स्पिरिट बोल रहे हैं 2024 जैसे पूरा हो जाएगा, उसके बाद जा तेरे लिए मई मई। तो कहेगा नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय मसीह की। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता, मेरे ऊपर गिफ्ट ये वाला क्यों है, क्योंकि मैं कभी भी निराशा और उदासी में प्रोफेसी नहीं करता। आप समझ में आई बात? आप नीति वचन 15:15 रोज पढ़ा करो, डेली अपने शीशे पर लगाओ कि मन के आनंदित होने से, मैं कहता काश परमेश्वर उसमें वहां पर लिखवा देता कि सारे काम खुल जाते हैं। समझ रहे हैं? तो वहां पर मन जब आनंदित होता है, आपको बोला गया है शुक्राणु कम है, आपको बोला गया है जी, आपको बोला गया, मेरे को मिला है कहीं पर, कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा, कहीं बर्गर खिलाया मेरे को नहीं। मिला नहीं ना नहीं। हाँ, लेकिन मैं तेरे साथ एक जगह यूपी में चलूंगा और जमीन तेरे साथ खरीदूंगा जाकर। आमीन बोले। आमीन। कौन है तेरा वहां पर यूपी में? मेरा घर है यूपी में। हालेलुया 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 हालेलुया। मतलब जब तेरे पास बच्चा हो जाएगा तो तू जमीन खरीद के किसको देगा बता? आगे नहीं मैं बोलूंगा, किसको देगा? मम्मी। मम्मी को? आपको। लेकिन तेरे पास तो इतने पैसे नहीं है अभी। नहीं है। नहीं है। नहीं है ना? होली स्पिरिट आपसे करता है, आपके एक, मैं एक पटवारी देख रहा हूँ, जाकर उससे मिल, यह भविष्यवाणी तेरे लिए। एक पटवारी तहसीलदार ये गांव के किसी बूढ़े को मिल, पुराना जहां तेरा बाप शाप रहते थे, जहां पर भी मिल, कुछ भी होगा, एक धरती निकल कर तेरे लिए आएगी पुराने पुरखों में से। समझ में आया? टुकड़ा आएगा, नहीं तो गवर्नमेंट देगी, कुछ भी करेगी, क्योंकि भविष्यवाणी होगी तेरे लिए। मेरी बात तो विश्वास नहीं है, इसको हल्के में लगा रहा है। नहीं, विश्वास है। हैं? लक्ष्मी नाम नाम के लिए ब्याह के लाया, लक्ष्मी तो है नहीं तेरे घर में, लेकिन इसके पास लक्ष्मी है। समझ रहे हैं? नहीं, हाँ, यीशु मसीह दे रहा है वो आपके जीवन में। अभी इसी समय परमेश्वर मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको ऐसे कोई फोन नंबर में ऐसे 31 21, मेरे नंबर में 21 है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या नंबर आपका? ग्लोरी टू जीसस। 6391-5391। 21 आया, 21 21। पूरे 21 डेज बीतने के बाद मेरे को एक फोन नंबर दिखाया, उसमें 21 नंबर डिजिट दिखाए प्रभु ने मेरे को, और बोला 21 डे बीतने के बाद कहता मिराकल होगा तेरी वाइफ के साथ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन आपको विश्वास करना है, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में अभी इसी समय। मित्र देख लड़की, रुआ छोड़ दे इसको इसी समय, आउट, इसके घर में से बाहर आ जा,
चल बाहर आ जा, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल इसी समय कंसीव करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, वह गंदी आत्माएं बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, आउट आउट आउट, निकल बाहर 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 बाहर, टच यीशु के नाम में, आउट फ्री फ्री, आत्मा किसके सिर पे, और इसी समय वो खाया पिलाया बाहर निकले यीशु मसीह नासरी के नाम में, परमेश्वर इसको छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। अमनदीप 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 अमनदीप, जो भी अमनदीप है सुनो, कहां भाग रही अमनदीप, क्या नाम है, कनाडा नहीं जाना तूने, कितनी बार फेल हो गया, ट्राई किया कभी है, माइक में बोलना, पासपोर्ट कहां है तेरा, नहीं पापा, पासपोर्ट कहां है, सर मैंने ट्राई नहीं किया पापा कभी, पासपोर्ट नहीं बनवाया, नहीं पापा, तेरे लिए बोल रहा हूं, जाओ तैयारी करो यीशु मसीह, जदो परमेश्वर मेरे बल, सुनो एक अमनदीप सुनो, एचआईवी का प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली में एचआईवी का प्रॉब्लम है, हैं तो बहुत सारे यहाँ पर, जिसको एचआईवी की प्रॉब्लम है हाथ उठाऊं और खड़े हो जाऊं, शाबाश, एचआईवी की प्रॉब्लम है, हाँ हाँ रुआ, एचआईवी क्या होता है, बुढ़िया माता खड़ी होगी, तू एड्स, एड्स है तेरे को, बेटे को, ठीक है, हाथ रख लो सिर पर, और इसी समय आप 3 दिन के बाद आप मेरे को प्रेयर टावर पर फोन करके बताओगे टेस्ट करा के, बोलो हालेलुया, संडे से पहले आप टेस्ट कराओगे, जिसको एचआईवी है सिर पे हाथ रखो, शर्माओ नहीं, जिसके बेटे को पत्नी को पति को एचआईवी है, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, हाँ किसको है, हाँ हाँ सिर पे हाथ रख लो, शाबाश, रुआ, हाथ रख ले सिर पे, शर्माना नहीं आपको, शर्माना नहीं, खड़े हो जाओ, फिर ना कहना कि मेरे को आशीष नहीं मिली, पवित्र आत्मा तू छू ले आज यीशु मसीह के नाम में, सिर पे हाथ रखो, सिर पे हाथ रखो, सिर पे हाथ, इसी समय पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर, और इसी समय मैं इनको ब्लेस करता हूँ, एचआईवी के शराब बाहर जाए, 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 खून में से इंफेक्शन बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए, ब्लड में से इंफेक्शन बाहर जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, जिनके पास बच्चा नहीं है सिर पर हाथ रखो, और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले आज, फिर से गाओ, फिर से गाओ, एड्स बाहर जाए यीशु मसीह, परमेश्वर तू छू कर आजाद कर यीशु मसीह का नाम, प्रभु तू छू और आजाद कर, बोलो आमीन, हालेलुया, ये लोग खड़े हो जाओ, लाइन लगाओ, शाबाश, इधर खड़े हो जाओ, एक लाइन लगाओ, शाबाश, जल्दी 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 एक लाइन लगाओ, शाबाश, और ऐसे नहीं आया कोई कैंप, जैसे हम खड़े करेंगे वैसे आना, फटाफट यहाँ लाइन लगा लो, शाबाश, जिसको लेन प्रे करानी, अनॉइंटिंग वाटर और रुमाल लेकर आओ फटाफट, और इसी समय चेक करना, गवाहियां आएंगी आपकी, गवाहियां आएंगी आपकी, yes. इसी समय परमेश्वर काम करेगा, आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आप खड़े हो जाओ, इसी समय एक लाइन ऐसे ही खड़ी होगी, आमने सामने खड़े हो जाओ, आमने सामने खड़े हो जाओ, एक सिर्फ एक डब्बा वो नहीं, एक कैबिन खड़े हो जाओ, शाबाश, और जो उधर चेयर पर है वो इनके पीछे आ जाओ, सिर्फ चेयर वाले चेयर खड़े रहो, बीच में आऊंगा मैं, बीच में आऊंगा, आप अगर हिलेंगे मैं आपकी प्रेयर नहीं करूंगा, अगर आप हिलेंगे मैं आप प्रेयर नहीं करूंगा आपकी, आपको ऐसे गैलरी बनाओ फटाफट, लड़कियों लाइन बनाओ, हाँ शाबाश, हाँ क्या कर रही है तू, शाबाश शाबाश शाबाश, अभी मैं हाथ रख रहा हूं और बहुत सारे लोगों की गवाहियां गवाहियां आ रही है, गवाहियां पीछे एक एक लाइन बना लो, थोड़ा सा पीछे लाइन बनाओ, लाइन पीछे, फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, पड़ेगी आपको, जैसे वॉलंटियर कह रहे हैं वैसे करना पड़ेगा, पीछे जाओ, एक गैप दो, अपनी हुजूरी से मुझको जी
आपकी प्रेयर नहीं होगी, आपकी प्रेयर नहीं होगी, एक लाइन बनाना है। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, छोड़ दो अपने पर्स, नीचे छोड़ो पर्स, शाबाश, हाथ पकड़ लो, शाबाश। सुनना ध्यान से, आपको एक गुड न्यूज मिलेगी अभी, बोलो हालेलुया। ये मेंबर शेंबर पीछे जाओ, पहले दुआ कराओ लोगों की, पीछे जाओ अवतार, पीछे जाओ लोगों की दुआ कराओ पहले, चलो यूसुफ पहले लोगों की दुआ कराओ पहले, जो बाहर से आए उनको पहले बुलाओ आगे। हाँ शाबाश, खड़े रहो, सुनना ध्यान से, सारे बोलो हालेलुया। मैं इधर देखो, मैं इधर देखो, शाबाश, ध्यान से सुनो, सुनो, जीसस एक सप्लायर था, आज आपको चंगाई कैसे मिलेगी, मेरी बात को सुनना, ए बोलना नहीं, जीसस एक सप्लायर था, सुन रहे हो, ये लड़के मेरे पास आओ नीचे, क्वायर क्वायर बाहर आओ मेरे पास, शाबाश, मैं आपको दिखाता हूं, सुनो, लाइन हाथ पकड़ के लाइन लगाओ, शाबाश, ऐसे देखो, जिसको चंगाई चाहिए वो विश्वास के साथ आज लेनी पड़ेगी, बोलो हालेलुया। तैयार है आप? सारे बोलो हालेलुया। देखो 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 कैसे गैप है, देखो गैप, देखो कैसे लड़कियां फिर पीछे गैप है, लड़के हैं, है ना, आप ध्यान से सुनो, जीसस एक सप्लायर है, और ये क्या है, ये सारे क्या है, हाँ कंबे से पीछे रहो, हाथ पकड़ो, हाथ, बस 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 सुनो, देखो ये क्या है, देखो सुनो, ये क्या है, स्क्रीन पर देखो आप, ये एक पाइप है, पाइप क्या है, ये लड़कियां नहीं, ये एक पाइप है, और मूसा एक सप्लायर है, और देखो पाइप के अंदर से जब किसी के घर में बिजली जाती है तो इस पाइप से दूसरे पाइप में जाएगी, जाएगी कि नहीं, जाएगी कि नहीं, तो उसी समय वो बिजली आगे जा रही है, ऐसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जीसस की इलेक्ट्रिसिटी पावर, अनोइंटिंग पावर एक दूसरे से दूसरे पर जाती है, लेकिन लोग उसको लेते नहीं है, कुछ लोग गीत गा रहे होते हैं हालेलुया, जब सामने वाला अच्छे से गीत गा रहा होता है तो उसका मन करता है मैं भी गाऊं, जो सामने वाला जोर जोर से प्रार्थना कर रहा। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रोफेट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके, और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।